साहब दीदी का संकल्प है शिव को अपना गुरु बनाने का। लोगों को बताइए, जगह जगह को बताइए कि शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये प्रसाद साहब ने दिया है हमको और आपको, इस दुनिया को। तीन सूत्र दिया है उन्होंने, समझिए सब कुछ दे दिया है, पूरी कायनात दे दी है। शिष्यानुभूति में उन्होंने लिखा है, शिव को अपना गुरु बनाने से समस्त लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। शिव कौन है? कोई सवाल ये कर सकता है, कोई सोच सकता है, कोई नया आदमी शिव कौन है? शिव हमारे देवता हैं, महादेव हैं, घर घर के बाबा हैं, जिनको आप हम बचपन से पूजते आए हैं। आने वाली कितनी पीढ़ी पूजते गई और निकलते गई, हम लोग आए, हम लोग भी निकल ही जाएंगे, चले ही जाएंगे, फिर दूसरे लोग आएंगे, नई पीढ़ी आएगी, नए लोग आएंगे, वो भी महादेव की पूजा अर्चना करते रहेंगे। उसी महादेव को, उसी देवता को, उसी देवाधिदेव को हमको आपको गुरु बनाने की बात साहब ने कही है। उन्होंने कहा कि शिव से बड़ा कोई देवता नहीं है, शिव से बड़ा कोई गुरु नहीं है। उन्होंने महाभारत की एक पंक्ति में अपनी एक पंक्ति जोड़ी है, नास्ति सर्व समो गुरु, मतलब शिव जैसा कोई भी गुरु नहीं है। इतना बड़ा ज्ञान, इतनी बड़ी बात साहब ने, इतना बड़ा सूत्र, वो कहते हैं ना देहात की भाषा में जंतर, इतना बड़ा जंतर हमको आपको साहब ने दे दिया है। हम आप पहन के, उसको पहन करके उससे सुरक्षित महसूस करते हैं। गाँव में आप लोग बेहतर समझती है ना, वो जंतर मंतर लोग देते हैं कि मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरा पति ठीक रहे, हम ठीक रहे। तो वैसे ही साहब ने, दीदी ने एक ऐसा जंतर दिया है हम लोगों को, जिससे हम ठीक होते हैं, हमारा परिवार, इस उम्मीद में कि हमारा परिवार ठीक रहेगा, हमारे लोग ठीक रहेंगे, हमारी स्थिति ठीक रहेगी। इस अमूल्यवान जंतर को पहने रहिए और लोगों को भी पहनाने की कोशिश कीजिए। वो जंतर से वो मत समझिएगा कि कोई ओझा गुनी दे दिया है, साहब हमारे ओझा गुनी से बहुत ऊपर हैं। हमारे लिए आपका तो पता नहीं, मेरे लिए तो मेरे पिताजी महादेव हैं। साहब कहते हैं कि बचपन में मैंने महादेव को देखा है, पर मेरे जेहन में जो महादेव और पार्वती हैं वो साहब और दीदी हैं। देखा है बचपन में महादेव को, ये मेरा सौभाग्य है, इसे मेरी कोई काबिलियत नहीं है, ये साहब दीदी का इकबाल है कि हम उनके घर में पैदा लिए हैं, उनसे पैदा लिए हैं। तो जो चीज़ अपनी है ही नहीं, उस पर क्या ही करना है, उस पर क्या घमंड करें। तो हम आप ही के जैसे हैं, आप ही की तरह बातें करते हैं, कोई विशेष अंतर नहीं है। बड़े गुरु भाई और दीदी नीलम की बेटी हैं, तो ये थोड़ा सा फर्क है जिसको आप समझ सकते हैं। शिव को अपना गुरु बनाइए, दिल से मोहब्बत कीजिए। अभी देखिए सामने आप लोग अपनी चप्पल को अपने आगे रखे हैं, अपने बच्चे को अपने गोद में रखे हैं। अरे भैया, साहब दीदी का संकल्प किससे दे गया गुजरा है, उसको अपने आगे रखिए, अपनी गोद में रखिए। ऐसे ही दुनिया में महादेव का काम हो जाएगा, साहब की बात आ जाएगी, दीदी की बात आ जाएगी। जितनी मोहब्बत आपको अपने चप्पल से है, अपनी किताबों से है, अपनी कॉपियों से है, अपने बच्चों से है, महादेव से उतनी ही मोहब्बत कीजिए, साहब दीदी के संकल्प से उतनी ही मोहब्बत कीजिए। और आप विश्वास कीजिए, महादेव का कहाँ काम इससे कहीं ऊंचाई पे जाएगा, साहब दीदी आपके साथ खड़े हैं। तो निरंतर जितना वो हमारे साथ रहते हैं, उससे ज़्यादा वो आपके साथ रहते हैं। उन्होंने कहा है कि जो महादेव को याद करेगा, मैं उसके साथ उसके किसी अपने से ज़्यादा खड़ा हूँ। आप महादेव को जितना याद कीजिएगा, उनके काम को जितना याद कीजिएगा, उसके प्रति जितना जितनी लगन दिखलाइएगा, साहब दीदी आपके साथ हैं, आपके किसी अपने से बहुत ज़्यादा साथ हैं। शरीर का साथ होना मुद्दा नहीं है, मुद्दा होता है मन का साथ होना, कि आप मन से कितना साथ हैं। तो साहब दीदी मन से आपके साथ हैं, अपने संकल्प के साथ हैं। आप उनके संकल्प को लेकर के बढ़िए, दुनिया को बताइए, लोगों को बताइए, महादेव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते हैं। उनको बताइए कि इससे क्या फायदे हैं, इससे कम, इससे इंसान को समझने लगता है हम आप इंसानियत भूल गए हैं, झगड़े में पड़े रहते हैं, फसाद में पड़े रहते हैं। किसी को ज़मीन का झगड़ा है, किसी को पैसे का झगड़ा है, किसी को ये नहीं चिंता कि हम दुनिया में आए हैं फिर मर जाएंगे। हर आदमी मर जाता है, हम भी मर जाएंगे, और हम लोग आपसे ही मिल रहे हैं।
किसी को किसी से मतलब ही नहीं है, भूल गए हैं हम लोग इंसान कौन है, इंसानियत किसको कहते हैं। जिस दिन हम आप इंसान हो जाएंगे, इंसानियत इस दुनिया में फिर से जिंदा हो जाएगी, हम आप इंसान हो सकते हैं। महादेव की शरण में ही जाकर, साहब दीदी की बात को ही समझकर, कि शिव गुरु हैं, एकमात्र गुरु वही है, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे आपके पास, कोई विकल्प ही नहीं है। एक ऑप्शन होता है ना कि आपको ये नहीं, ये चॉकलेट नहीं चाहिए तो दूसरा चॉकलेट ले लीजिए, ऐसी कोई उपलब्धता हमारे आपके पास नहीं है। महादेव से बेहतर गुरु हमारे आपके पास नहीं है, और साहब दीदी से बेहतर पथ प्रदर्शक भी हमारे आपके पास नहीं है, जो आपको ये समझाएगा, जिसको ये अमृत मिला। अभी डॉक्टर साहब ने कहा ना कि सौ शिष्यों की सूची है, पर उन्होंने किसी ने लोगों को नहीं बताया शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी हो सकते हैं। ये एकमात्र झंडा साहब ने उठाया कि जो अमृत मुझको मिला है, उस अमृत का रस पान आप लोगों को भी कराए, सामान्य जनमानस को भी महादेव से जोड़े, ताकि मानवता सुगंधित हो सके, पल्लवित और पुष्पित हो सके। साहब के संकल्प को आगे बढ़ाइए। हमको और आपको अगर अपने पारलौकिक दुनिया की ओर, पारलौकिक ज्ञान की ओर आगे बढ़ना है, तो साहब के संकल्प के साथ ही बढ़ना होगा, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। साहब ने कहा है ना गुरु उपाय, तो साहब की बात है, पर अगर यहाँ देखिएगा तो एकमात्र संकल्प उपाय है, जो साहब दीदी का संकल्प है, हम आप उसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं, महादेव की शरण में जा सकते हैं, साहब दीदी की शरण में जा सकते हैं। उनकी बात लोगों को समझाइए कि लोग समझ पाए कि महादेव घर घर के बाबा हैं, लोग उनसे आशीर्वाद लेने, धन संपत्ति मांगने, बेटा बेटी मांगने कहाँ कहाँ नहीं जाता है। हमारे आपके घर में महादेव साहब दे दिए हैं, हम आप कहाँ जाएं, महादेव की दया होगी। तो दुनिया है ये, हर आदमी अपनी स्थिति से आता है, अपनी स्थिति से जाता है, पर महादेव की बात करते रहेंगे तो हमारा मन, हमारी स्थिति बुलंद रहेगी। कुछ नहीं भी आपके घर में रहेगा ना, सुदामा की तरह एक चावल का दाना भी रहेगा, तो आप बुलंद रहिएगा और महादेव का काम कीजिएगा, लोगों को बताइए, आपका पेट खाली रहेगा तो भी आपका मन भरा रहेगा। अरे महादेव जैसे गुरु बड़ा नौकरा का हो, तो अपने मन को बुलंद रखिए, महादेव की दिशा में अग्रसर होइए, महादेव की बात लोगों से कीजिए, साहब दीदी की बात लोगों से कीजिए, उनके संकल्प की बात कीजिए। शाहबाद की धरती को लोग वीर कुंवर सिंह की धरती जानते हैं, विश्वामित्र की धरती जानते हैं, हमारा आपका संकल्प होना चाहिए कि शाहबाद की धरती को लोग साहब के नाम से जाने, शाहबाद ना हो वो साहबबाद हो, ये हमारा आपका संकल्प होना चाहिए। क्योंकि यहीं के गांधी स्मशान से साहब ने अपनी यात्रा शुरू की थी, महादेव की बात उनके जहन में आई थी, गुरु होने की बात जहन में आई थी, तो शाहबाद की धरती को हम लोग साहब की धरती बनाने का प्रयास करेंगे। ये तभी हो सकता है जब हम लोगों को बताएं कि महादेव मेरे गुरु हैं, आपके हो सकते वही महादेव जो आपके बाबा हैं, घर घर के बाबा हैं, वही महादेव की बात लोगों से करनी है, लोगों को समझाना है। बाहर निकलिए, अगर संभव हो तो बाहर निकलिए, क्योंकि शादी में तो हम लोग अपने एक दूसरे के घर जाते हैं, शादी में रिश्तेदारी में कहाँ से कहाँ लोग चला जाता है, कोई आगरा चला जाता है, कोई तमिलनाडु चला जाता है, कि रिश्तेदार के बेटा का ब्याह है, कोई भगनी का ब्याह है। अरे भाई महादेव का काम है, उसके लिए हम आप बाहर निकल सकते हैं। जब दो पैसा किसी रिश्तेदार के बच्चे की शादी के लिए इकट्ठा कर सकते हैं कि ट्रेन से वहाँ जाना है, तो दो पैसा महादेव के लिए यहाँ से वहाँ यात्रा करने के लिए भी इकट्ठा कर सकते हैं। और पैसा इकट्ठा नहीं भी कर सकते हैं, मन से बुलंद होइए कि महादेव आपका काम हम कर सकें, इतनी क्षमता शारीरिक या धन से या पैसे से मुझको दीजिए कि मैं आपका काम कर सकूँ, साहब दीदी का संकल्प पूरा कर सकूँ। महादेव ने साहब को कहा कि जो करते हो वो दूसरों को बता, साहब ने हम लोगों को कहा कि मैं जो करता हूँ ये करता हूँ, आप दूसरे को बताइए। ये समझते हैं आप लोग कितनी बड़ी बात है, महादेव ने उनको चुना और साहब ने कहीं ना कहीं हमको और आपको चुना, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है, ये मेरा और आपका सौभाग्य है ये कि साहब हम लोगों को चुने अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए। नहीं तो बहुत लोग हैं दुनिया में, काहे नहीं चुन लिए किसी को, हमारा आपका सौभाग्य है और इस सौभाग्य पे हमको आपको खुश होना चाहिए और समृद्ध होना चाहिए कि महादेव के काम के लिए साहब हमको चुने। क्लास होता है
एक मॉनिटर बनता है तो बड़ा खुश हो जाता है, क्लास में मॉनिटर बन गया। तो वैसे ही साहब हमको आपको मॉनिटर बना कर रहे हैं, मॉनिटर बना करके भेजे हैं कि महादेव का काम कीजिए, मेरी बात लोगों तक पहुँचाइए, महादेव की बात लोगों तक पहुँचाइए। आपसे यही उम्मीद है कि आप साहब की बात, पापा की बात लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि इसी यही एकमात्र उम्मीद है आपसे, हमारी पर्सनली हमारी उम्मीद है, जिससे हमारे पिताजी खुश हो जाते हैं। किसी ने कुछ दिन पहले कहा ना कि साहब 24 घंटा एक ही काम सोचते रहते हैं, तो मैंने कहा 24 घंटा अगर कुछ ज़्यादा समय होता है तो वो भी जोड़ लीजिए, साहब एक ही काम सोचते हैं, हम आप एक काम नहीं सोचते। साहब की मन स्थिति को समझिए कि महादेव के काम से उनको कितना प्रेम है। कुछ दिन पहले उनसे मेरी भेंट हुई तो उन्होंने कहा 3 सूत्र समझा रहे थे हम लोगों को। तो पहले सूत्र में उन्होंने कहा कि है कि उन्होंने मुझसे पूछा कि पहला सूत्र बताइए, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हैं, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ। 3 सूत्र समझते हैं ना, साहब ने 3 सूत्र दिया है अपने शिष्यानुभूति में। शिव पहला सूत्र है महादेव को ये कहना कि आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। इसका मतलब उन्होंने कहा कि यहाँ दोनों स्थितियाँ हैं, एक प्रेम की है, दूसरा समर्पण की है, कर्तव्य की है। आप एक तरफ जब आप एक बार उनको कहते हैं हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तो महादेव की तरफ आपका समर्पण होता है। दूसरी तरफ जब आप कहते हैं मैं आपका शिष्य हूँ, तो वहाँ आकर महादेव की ओर से आपकी ओर एक रिश्ता बनता है, एक संबंध बनता है। दोनों तरफ से संबंध कायम होते हैं, एक तरफा संबंध कायम नहीं हो सकता। आप हमको दीदी कहिएगा, हम आपको दीदी कहेंगे, तभी प्यार बनतेगा, नहीं तो वो तो फिर जुबानी रिश्ता है, ट्रेन की यात्रा है, सुबह चढ़ते हैं शाम उतर जाते हैं हम लोग। तो साहब ने कहा कि महादेव से प्रेम कीजिए, महादेव के काम से प्रेम कीजिए, वो आप अगर 2 कदम चलिएगा वो 4 कदम चलेगा, फिर आपको सोचने और समझने की जरूरत ही नहीं है, महादेव खुद आपको अपनी ओर खींचेंगे। वो एक चुंबक है जिससे दुनिया घूमती है, दुनिया जिसकी ओर आकर्षित होती है। हम आप 2 कदम को चलिए, जैसे आप अपने शिष्य भाव उधर अर्पित कीजिएगा, महादेव एक ऐसा चुंबक है जो आपको अपनी ओर ऑटोमेटिक खींच लेगा। अपने गुरु भाव के तले आप बस अपना शिष्य भाव उनको प्रेषित कीजिए, और कोई काम ही नहीं है इसमें, बहुत आसान काम है ये, जिसको हम आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, किसी के साथ कर सकते हैं। कोई अभी हम लोग 3 दिन की संगोष्ठी हुई थी रांची में, तो ये सौभाग्य तो सभी गुरु भाई गुरु बहनों को नहीं मिला, लेकिन दीदी की बात हम लोगों ने वहां सुने थे। साहब जब दीदी सिंगापुर से आई थी तो साहब इनको घुमाने के लिए ले गए थे उड़ीसा। वो हम चाहते हैं कि दीदी सारे गुरु भाई और गुरु बहनों को सुना दें। वैसे तो साहब दीदी की बेटी होने के चलते बहुत सारी अनुभूतियां हैं मेरे पास, जिसको बताया जा सकता है, आपके साथ शेयर किया जा सकता है, पर 2-3 ऐसी अनुभूति है जिसको अगर आप सुनिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। एक तो आपकी दीदी की है, दीदी नीलम आनंद। साहब कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि जिसकी नींद में ईश्वर होता है, जिसकी नींद में महादेव होते हैं, वो महादेव जैसा हो जाता है। एक बार मैं अपनी माँ के साथ सोई हुई थी, जैसे हम आप सांस लेते हैं तो सांस लेने और छोड़ने से एक अलग आवाज़ आती है, हल्की सी आवाज़ आती है, तो मेरी नींद खुली, मुझको लगा कि कहाँ से आवाज़ आ रही है, हल्की आवाज़, बहुत हल्की आवाज़ थी, हे महादेव दया कीजिए, हे महादेव दया कीजिए। बाशर 2-2.5 बज रहा होगा रात का, उसमें वो बीमार थी, तो मुझको लगा कि कहाँ से इतनी आवाज़ आ रही, बहुत हल्की आवाज़ थी। तो अब मैं माता को, जो मैं माँ के पास हटाई, उनकी सांस जो वो छोड़ रही थी उससे एक आवाज़ निकल रही थी, हे महादेव दया कीजिए। आप सोचिए कि वो अपने गुरु से कितना प्रेम करती थी कि उनकी सांस
भी वो लेती थी और सांस भी वो छोड़ती थी, तो उससे एक ध्वनि निकलती थी जो जिसको आप बहुत आसानी से सुन सकते थे, जो उस ध्वनि से मतलब उस सांस से एक ध्वनि थी जिसमें आवाज़ें कह रही थी हे महादेव दया कीजिए। आप बस इतना ही सोचिए कि वो दीदी आपकी बीमार थी, मशीन पर चल रही थी, तो भी वो अपने महादेव के काम के लिए इतना चिंतित रहती थी, इतना सोचती थी कि नींद में भी महादेव अवस्थित रहते थे, साहब का संकल्प अवस्थित रहता था। दूसरी घटना अभी 2 साल पहले की है, सिंगापुर में। अभी जैसा कि अजय जी ने बताया कि मैं सिंगापुर में रह रही थी, 5 साल वहीं थी, उसके बाद आई तो पापा ने कहा कि चलिए घुमाते हैं आपको। उड़ीसा में एक मंदिर है, लिंगराज मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है, 900 साल पुराना मंदिर है, वहाँ हम लोग घूमने गए। साहब तो मंदिर जाते नहीं हैं, मंदिर तो मैं भी नहीं जाती, पर मंदिर बहुत पुराना है, इतिहास की बात कहता है, तो मंदिर देखने गई थी। तो बाहर बैठी हुई थी, थक गई थी, शाम हो गई थी। मुनबाऊ बोले, बरखा दीदी बोली कि चलिए घूमते हैं, क्या नहीं आप लोग घूमाइए, मुझको नहीं जाना है अंदर, मतलब मंदिर के भीतर जिसको जहाँ वो शिवलिंग लिंगराज का वो शिवलिंग रखा है, तो मैं वहाँ नहीं गई, मैं बाहर बैठी थी। जैसे किसी कोई मंदिर ऐसे होता है ना, तो उसके बाहरी हिस्से मैं बैठी थी, बाहर से मंदिर ऐसे दिख रहा था, एक टूटा फूटा ईटा था उसी के ऊपर बैठ गए। ऐसे बैठे बैठे ऊपर देखते हैं तो सोचे कि यही है लिंगराज मंदिर, इतना पुराना मंदिर है, 900 साल पुराना मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बहुत ऊँचा मंदिर है। अचानक उस मंदिर के इस हिस्से पे, जो मंदिर का जो बाहरी हिस्सा होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, तो उससे एक तस्वीर उभरती है जो पापा जैसे साहब जैसी दिखती है, और साहब ने कहा, जैसे मेरे दिमाग में ये बात आई ऊपर देख करके, यही है लिंगराज मंदिर, अचानक एक तस्वीर उभरती है और साहब का चेहरा दिखता है, कहते हैं मैं ही तो हूँ यहाँ, समझे आप, उन्होंने कहा मैं ही तो हूँ यहाँ। अचानक मेरा ध्यान उठता है, अरे पापा यहाँ कैसे आ जाएंगे, वो तो बाहर हैं, भैया के साथ बाहर खड़े थे, मंडल सर के साथ बाहर खड़े थे, तो कुछ मतलब भ्रम की स्थिति में पूरा एक एक रोवा खड़ा हो गया, मुझको ये लगा ये क्या देख रहे हैं भाई। अब ये मेरा सौभाग्य था कि साहब ने दर्शन दिया या उस ईश्वर ने दर्शन दिया या उस महादेव ने, मुझको नहीं पता, पर वो जो छवि उभरी, वो जो चेहरा उभरा, वो साहब का था, साहब का ही चेहरा था, कि उन्होंने कहा मैं ही तो हूँ यहाँ। ये मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों के बीच इस बात को रख रही हूँ, इस बात को बता रही हूँ। कई लोगों को इस तरह की अनुभूति होती होगी, हुई होगी, आगे भी होती रहेगी। आज की चर्चा परिचर्चा को सुन के इतने लोगों ने महादेव को गुरु बनाया है, नाम तो पढ़ा नहीं जा सकता है, हम चाहेंगे कि आप इसकी एक साथ घोषणा करें। घोषणा चलिए, जो काम नहीं करते हैं आप अगर जी करवा लेंगे लग रहा है। ये पहली बार है जो सार्वजनिक रूप से यह घोषणा कर रही, जिन्होंने भी महादेव को अपना गुरु अभी से बनाया है, समझिए अभी से आपका समय अच्छा शुरू हो गया है। जागा, जागा।